अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद की आगम प्रकरण के ऊपर विचार करते हुए अभी हम लोग दूसरा मंत्र पर है। कुल मात्र 12 मंत्र है, परंतु मांडूक का एकमेव अलग मोक्षानां विमुक्ते और नत्यहाति बोला। तो उससे क्या होता है कि इस एक ही उपनिषद पर यदि हम ठीक से विचार करेंगे तो वास्तविक मेरा पारमार्थिक स्वरूप क्या है उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए। अब हम लोग द्वितीय मंत्र में, पहला मंत्र में अभिधान में प्राधान्यता देकर के सारा जगत नामात्मक है ऐसा कहा गया है। अभी अभिधेय रूप में प्राधान्यता को देकर के जगत रूपात्मक भी है, इससे नाम रूप की अभिन्नता को सिद्ध किया। अभिप्राय क्या है कि एक ही प्रयास से नाम और रूप दोनों को हटा करके उन दोनों से विलक्षण जो अधिष्ठान है उसकी बोध हो जाता है, जिसके ऊपर नाम रूप दिखाई दिया। इसलिए भगवान वाच्य का लिखित यहाँ पे प्रयोजनम अभिधान अभिधेयोर एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलाप्य, एक ही प्रयास के द्वारा दोनों को हटा दिया। मैं मुझे देखा था पेन नामक वस्तु को मैंने इसके ऊपर रखा, उसको मैंने गिरा दिया तो पेन नाम भी गया पेन रूप भी गया, मतलब अधिष्ठान तो रह जाता है। इस प्रकार से आप ही प्रयत्न युगपत प्रविलापय तद विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्यते, नाम रूप से विलक्षण जो कोई नाम रूप वाला नहीं है इस प्रकार ब्रह्म को यहाँ पे बोध कराया जाता है। और श्रुति भी ऐसे ही कहते हैं आगे जाकर के पादा मात्रा मात्रस्य पादा, यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे है ना। अब देखिए टीका में आ जाइए, अभिधान अभिधेयोर व्यतिहार उपदेश वाक्यशेषम अनुकूलयति, 15 पन्ने में ना अभिधान अभिधेयो में जो व्यतिहार है मतलब उल्टा करके बोला गया, एक बार अभिधान को प्राधान्यता दे करके बोला, एक बार अभिधेय को प्राधान्यता करके बोला, जो बोला गया इस प्रकार उपदेश में इस विषय में वाक्यशेष मतलब आगे वाक्य को भी ऐसा ही दिखा रहा है, पाद और मात्रा मात्रा और पाद का अभिन्नता को दिखाया गया है ना, यहाँ दिखाया गया तथा चाह करके कहा उक्ते वाचकस् वाच्य अभिन्नते वाक्यम अवतार्य योजयति, ठीक है ना। उक्ते वाच्य अभिन्न वाचकस्य वाच्य अभिन्नते उक्ते, ठीक है ना, वाचक जो है वाच्य से अभिन्न होता है। इस प्रकार कथन करके वाक्यम अवतार्य अगला वाक्य को सहारा लेकर अवतरण करते भगवान वाचकर योजयति उसका अर्थ को कहते हैं अथवा अन्वय करते हैं तद आह, ठीक है। अब देखिए भाष्य में सर्वम ही एतद् ब्रह्म है ना, जो भी कुछ यहाँ पे संसार में दिखाई दे रहा है, पहला मंत्र में क्या था ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम, जो है ना इस अक्षर नामात्मक सारा संसार नामात्मक है और वो नाम क्या है ओंकार रूपी है। अच्छा अब वही जो है ओंकार एक रूप भी है जो हम दिखाई पड़ते हैं वो परमात्मा का ही रूप है। सर्वम ही एतद् ब्रह्म, जो भी कुछ दिखाई पड़े सर्वम एतद् ब्रह्म एव, यही मतलब एव सर्वम एतद् सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जैसे बोलते हैं ये सारा वस्तु ब्रह्म ही है। सर्वम क्या वस्तु है, सर्वम जदुक्तम ओंकार मात्रमिति तद् एतद् ब्रह्म, सर्वम करके जिसको ओंकार नामात्मक रूप से ओंक शब्द के द्वारा कहा गया था उसी का भी रूपात्मक दृष्टि से ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। तो सर्वम जब उक्तम ये जो पहले मंत्र में जिसको कहा गया है ओंकार मात्रम ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वम, ये सारा ओंकार रूप जो कहा गया है तद् एतद् ब्रह्म, वो ब्रह्म रूप भी है ना, ब्रह्म रूप भी है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे टीका में देखिए सर्वम मतलब क्या हो गया कार्य कारणम च इति अर्थ, सर्व से क्या लेना जो हमको कार्य कारणात्मक जगत दिखाई पड़ते हैं कारण तक भी ब्रह्म में कल्पित है, कार्य तो उसे कल्पित हो गए इसीलिए कार्य कारणात्मक च इति अर्थ। आगे और बोल रहे थे कि टीका में ब्रह्मण श्रुति उपदिष्टस्य परक्षप्तम व्यावर्तयति, अब जो है अगला श्रुति वाक्य किस लिए आ रहे हैं। हम उस दिन बताया था आप गीता क्लास में संसार में जो भी कुछ हमको दिखाई पड़ते हैं जो भी कुछ दिखाई पड़ते हैं हम सोचते हैं प्रत्यक्ष देखते हैं, परंतु प्रत्यक्ष नहीं है किसी न किसी माध्यम से देखते हैं अथवा कोई ना कोई आवरण को भेद करके देखते हैं। तो आवरण को मान लीजिए इस कमरे में प्रकाश ना हो, प्रकाश अगर खिड़की के ऊपर तो सूर्य प्रकाश अगर वस्तु को ऊपर ना है हम देख पाएंगे, नहीं देख पाते। यानी कि एक तो आवरण प्रकाश की है, दूसरे आवरण हमारी इंद्रियों के माध्यम बनते हैं, फिर हमारे मन बनते हैं उसके साथ हमारे संस्कार होता है, और फिर भी ना जाने कितना यहाँ से लेकर उसके बीच में कितना जो धूल ईंधन की पड़ता है वो सबको भेद करके देखते हैं। इसलिए एतद् करके जो भी कोई वस्तु को कहा है वो परोक्ष है, यद्यपि हमें प्रत्यक्ष रूप में प्रतीति हो रहा है परोक्ष मतलब किसी ना किसी माध्यम के सहारे हम जानते हैं, ठीक है।
ये जो कहा गया सर्वम गुभि एतद् ब्रह्म, के ब्रह्म क्या वस्तु है, इसको समझाने के लिए कह रहे हैं। ये जो वस्तु रूप में आपको जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है, सब हम जानते कि अन्नवादियों ने हमें अनुभव है, लगता है मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, इंद्रियों के तहत मैं अपने आप देख रहा, परंतु अनेक प्रकार के व्यवधान को माध्यम बना करके यदि सभी वस्तु एक ही, मतलब यदि एक ही देखता तो एक ही वस्तु को देख करके अलग अलग व्यक्ति के मन में अलग अलग भावना उत्पन्न क्यों होता है, क्यों वो भावना भी उसके साथ जुड़ी होती है। तो इसीलिए जो है ये चीज जो है ध्यान रखना है कि यहाँ शब्द क्या बोलते हैं, ब्रह्मणः, जो ब्रह्म का कहाँ सर्वम गुभि एतद् ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द प्रयोग है श्रुति उपदिष्टत्व, तो जिसको श्रुति के द्वारा उपदिष्ट किया गया है, उपदिष्टस्य परक्षत्वम, वो ब्रह्म परक्ष है, इसको निषेध करना है। व्यावर्तयति, वस्तु नाम रूप परक्ष है परंतु ब्रह्म परक्ष नहीं है। शब्द प्रयोग करना चाहिए था कि ये अपरक्ष है, प्रत्यक्ष, हमारे पास तीन शब्द है, प्रत्यक्ष परक्ष अपरक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हम जो इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, और परक्ष मतलब क्या होता है कि इंद्रियों द्वारा देखा नहीं, किसी से सुना, कोई माध्यम से जाना, माध्यम के द्वारा जाना, हो गया परक्ष। और एक अपरक्ष क्या होता है, ना दूसरे के माध्यम से ना इंद्रियों के माध्यम से अपने आप जो अनुभव करते, इसके बाद अपरक्ष अनुभूति, इसे बोलते अपरक्ष अनुभूति। कोई आप जो ब्रह्म क्या वस्तु है आपने यहाँ पे कह दिया, सर्वम गुम्हि एतद् ब्रह्म, सर्वम क्या है, सब नामात्मक है, तो आपने कह दिया, रूप भी हमको दिखाई पड़ते हैं, परंतु ब्रह्म क्या वस्तु हुआ, तब सुख उत्तर देता है। तो ब्रह्म में कोई भी रूपात्मक नामात्मक जो भी कोई वस्तु देखते हैं उसमें जो मतलब वास्तविक वह परोक्षत्व आता है उसमें, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप किसी को परसीव नहीं कर सकते हैं। With the help of sense organs and the mind and so many other things also, external right, विषय के वस्तु संपर्क करने के लिए बाहरी प्रकाश चाहिए, अंदर की प्रकाश चाहिए, फिर मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, इंद्रिय चाहिए, अहंकार चाहिए, ये सब माध्यम बना करके हम उस वस्तु का, जैसे ब्रह्म परोक्ष की संभावना है, ऐसा जब हम कहते हैं तो श्रुति उसका उत्तर देते हैं, नहीं नहीं ब्रह्म में ये धर्म नहीं है, ब्रह्म न श्रुति उपदिष्टस्य, श्रुति के द्वारा उपदेश किया गया है जिस ब्रह्म, उस ब्रह्म का, उस ब्रह्म में परोक्षत्वम, उसमें परोक्षत्व धर्म को व्यावर्त्य निषेध कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रह्म परोक्ष नहीं है, नाम रूप परोक्ष है, ब्रह्म परोक्ष है ना। इसलिए बोलते हैं कि आगे तच्च ब्रह्म परोक्ष अभिहितम, वो जो परोक्ष रूप में कहा गया प्रत्यक्ष विशेषण निर्दिष्टति, परंतु वो प्रत्यक्ष होता है, प्रति प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पे इंद्रिय माध्यम, एक्चुअल अपरोक्ष रूप में बोलना चाहिए था, अपरक्ष शब्द प्रयोग नहीं करके भगवान भाष्यकार प्रत्यक्ष तो विशेषण दर्शयति, ब्रह्म को विशेष रूप से दिखाते हैं, है? अभी यहाँ पे प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, अपरक्ष रूप में, अपरक्ष रूप में। अच्छा आपका दूसरी बात क्या है, अज्ञान दशा में हम प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं, अहंकार, अहंकार का हम अपने अहंकार का हम जानते हैं, उसी को हम मैं कह के बोलते हैं हम, इसीलिए आप उसको भी निषेध कर देंगे। जब बोलते हैं तच्च ब्रह्म परोक्ष और अभिहितम, जो परोक्ष रूप में जिसको कहा गया प्रत्यक्षतः, उसको प्रत्यक्ष विशेष विशेष रूप में दर्शयति, ये ब्रह्म क्या वस्तु है, कहाँ ढूंढेंगे आप ब्रह्म को, तो उसके लिए उत्तर क्या दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जरा सब मजेदार देखिए, आत्मा और ब्रह्म यदि ये कहता केवल अयम शब्द नहीं कहता तो क्या होगा, आत्मा पुलिंग में है, ब्रह्म स्त्रीलिंग में, उन्हें अपना शक्लिंग में, प्रभुशक्लिंग में, तो एक ये अलग वस्तु है, एक अलग वस्तु है, और दो मिल करके जो है सृष्टि को चलाते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत देना, शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, शिव हो गया आपका जो आधार है, और शक्ति हो गया उसके ऊपर खड़े होकर, ये लोग जनरली ये दोनों को अलग मानते हैं, बिल्कुल अलग वस्तु है, परंतु वेदांती कहते हैं नहीं अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु की दो अवस्था है, एक है जब सृष्टि रहित अवस्था, और एक है सृष्टिकाल की अवस्था। शिव शिव क्या है, इसमें कोई सृष्टि नहीं है, कुछ प्रपंच प्रसन्न शांतम शिवम अद्वैतम बोलेंगे, यहाँ पे जहाँ पे प्रपंच प्रसन्न हो जाते हैं, जहाँ सृष्टि किया जाता है तब वही तत्व शक्ति रूप धारण करके बस सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म और आत्मा, ऐसा यदि अलग अलग बोलते अयम नहीं बोलते, आत्मा और ब्रह्म बोलते, दो अलग तत्व है जो सृष्टि को, ऐसा भावना होती है, और उसको पुष्ट करते शिव और शक्ति के द्वारा, परंतु ये नहीं कह रहा यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको,
आत्मा और ब्रह्म जिस प्रकार शिव पुलिंग में प्रयोग होता है, शक्ति स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। शक्ति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, शक्ति शक्ति शब्द धनुष शक्ति बनते हैं तीन प्रत्यय करके। और फिर है जब वहाँ पे ब्रह्म या हमारे शिव आया है, वशिकांतु धनुष से बनते हैं, वो मैस्कुलिन में प्रयोग होता है। तो दो अलग अलग तत्व है, हमको दिखाई भी पड़ता है, छवि में दिखाई पड़ते हैं, पुरुष में हुए माँ उसके ऊपर नृत्य कर रही है, परंतु हमारे दूसरे की सामान्य द्वैतवादी के सिद्धांत में दो अलग अलग तत्व है। वेदांतिक सिद्धांत में वो एक ही तत्व है, एक ही तत्व की जो अवस्था भिन्नता है। प्रपंच शांत अवस्था हो गया शिव, सृष्टि के संकल्प से शक्ति अभिव्यक्त होता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म यदि दो अलग अलग अयम नहीं कहते, केवल आत्मा और ब्रह्म बोलते, इसी प्रकार मिसकंसेप्ट होता, मिसकंसेप्ट होता। जैसा द्वैतवादी में है ना, ये दो अलग अलग तत्व है, देखो एक हो गया व्यापक तत्व, तुम परिच्छिन्न तत्व आत्मा होते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ पे जो अयम आप क्या दिखा रहे, अभिनय कर, यहाँ पे भगवान भाष्कर बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया, अभिनय करके दिखाते हैं। अभिनय कौन करता है? हाँ, कोई एक व्यक्ति अभिनय, मतलब चेतन तत्व होगा, चेतन अभिनय करता है। तो ये अभिनय कौन कर रहा है? अयम आत्मा ब्रह्म करके। ये जो श्रुति वाक्य है ना, श्रुति को हम चेतन मानते हैं, हमारे यहाँ पे जड़ कुछ नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से विद्या हमारे पास आया हुआ है। ये जो जब तक आप गुरुकुल में जा करके गुरु के पास बैठ करके इस तत्व को नहीं समझेंगे ना, ये इसका अंदर में जो शक्ति है वो अभिव्यक्त होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भगवान भाष्यकार प्रयोग करेंगे अभिनय अभिनय न अभिनय के द्वारा दिखा रहा। अभिनय मतलब क्या है कि आप कोई व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति है, अलग 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 रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके अभिनय करते रहते हैं। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अलग अलग, वो अलग अलग जिस रूप में अभिनय कर रहा है उसको तो आप दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति अलग अलग रूप धारण करते हैं उसका स्वरूप हम नहीं जान पाते हैं। परंतु यहाँ पे ये जो है अभिनय का द्वारा दिखाते हैं, ये जो तुम्हारी ये अयम, अयम मतलब सन्निकृष्टतम वस्तु, अयम आत्मा, ये जो आत्मा अभिनय करके दिखा रहे हैं। अभिनय मतलब क्या है? उसी वस्तु को समझाने के लिए कोई व्यक्ति के जरा हाथ पैर अथवा मुख की एक्सप्रेशन, जनित बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए ग्रेट इफेक्ट। मैं जब चैतन्य स्वामी जी ने दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र पढ़ाए थे उस समय तो सुविधा नहीं था, तो मैं उनका रिकॉर्ड सुन सुन के, रिकॉर्ड सुन सुन के फिर उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखा था। उस समय मैंने लिखा था, मैं स्वामी जी का शब्दार्थ कर सकता हूँ, परंतु वो स्वामी जी के साथ पढ़ते समय जो स्वामी जी के भाव हमने उनके चेहरे में देखा, वो हम पुस्तक में अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते, वो हम पुस्तक में अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते। वो एक बॉडी लैंग्वेज एक्सेप्शनल, उससे क्या पता लगता है ये जो व्यक्ति बोल रहा है कि ऊपर ही अर्थ बोल रहा है तो अंदर से कुछ समझ करके बोल रहा है, ये आपको पता लगता है, ये आपको पता लगता है। यहाँ पे भगवान भाष्यकार अपने आप देखिए क्या बोलते हैं, ब्रह्मणा श्रुति परक्षितं व्यवर्तते तच्च ब्रह्म परक्षभेतं प्रत्यक्षते विशेषण निर्देशति। क्या निर्देश करता है? अयम आत्मा ब्रह्म इति, ठीक है ना। अयम मतलब क्या हो गया? इदम, अयम शब्द का प्रतिपादी क्या है? हाँ, इदम, इदम मैस्कुलिन नॉमिनेटिव सिंगुलर है ना, पता ही नहीं लगेगा अयम शब्द का, इदम जो है इसका प्रतिपादी इदम है ना, इदम इदम मतलब अय आदेश हो जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम इति चतुष्पात्तेन प्रभिवच्यमानं प्रत्यक् आत्मा अभिनयेन निदर्श निर्दिशति। ये अयम क्या वस्तु है, ठीक है ना। अयम इति, अयम ये जो पद, ये जिसको आगे चार पैर के रूप में विभाजन करके चतुष्पात्तेन प्रभिवच्यमानं, चार पात कल्पित चार पात के द्वारा जिसको आगे प्रभिभाग करके मानव प्रत्यक् आत्मतया, उसको हमारे स्वरूप भूत होकर के प्रत्यक् आत्मा इन आलमोस्ट सेल्फ स्वरूपभूत होकर के अभिनयेन निदर्शयति। ये अभिनय कौन कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, श्रुति, इसके श्रुति वाक्य है, अयम आत्मा श्रुति। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए भाष्यकार के, श्रुति एक चेतन तत्व है, श्रुति एक चेतन तत्व है, क्योंकि गुरु परंपरा के माध्यम से है, श्रवण का बहुत वैल्यू है। आप सामने बैठ करके किसी को सुनना और किसी ग्रंथ को पढ़ना, ये दोनों बहुत अंतर पड़ते हैं।
नहीं तो स्कूल की तैयारी नहीं होती हमारी। स्कूल जाओ, मास्टर के पास बैठ करके पढ़ो, गुरुकुल में जाओ। ये परंपराएं कहाँ थे? पुस्तक लिख के बाजार में छोड़ देता, उसी से ज्ञान हो जाता। परीक्षा जैसे आजकल अधिकतर ऑनलाइन, अब ये सिस्टम नहीं है हमारे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा शब्द भगवान भाषुकर ने यहाँ पे प्रयोग किया, अभिनय निर्दिशति कौन श्रुति, श्रुति निर्देश, यानी कि श्रुति को यहाँ पे चेतन रूप में कह रहे हैं। श्रुति साक्षात अभिनय करके, मतलब दिखा करके, अमृत से दिखा करके, देखो ये जो आत्मा है ना, जो जिसको तुम मैं करके समझते, मतलब गलत से जो अपना स्वरूप भूत है वही व्यापक है पूर्ण, जिसको तुम मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो परिच्छिन्न मैं को तुम समझ रहे हो, ये व्यापक है, ये व्यापक है, ठीक है ना। इसलिए देखिए ये चार महावाक्य है हमारा। पहला वाक्य क्या है? तत्त्वमसि, उपदेशात्मक महावाक्य, उपदेशात्मक महावाक्य। तो तत्त्व क्या है? तो वहां पे तत्शब्द द्वारा ब्रह्म के बोलते हैं। तो ब्रह्म क्या वस्तु है? उच्चतम तत्व है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है ना। तो चेतना तक कहाँ दिखाई पड़ता है? अयम आत्मा ब्रह्म, इस आत्मा में दिखाई पड़ता है। तो अल्टीमेटली अनुभव क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव में आता है। उपदेश से लेकर अनुभव तक पहुंचने के लिए चार स्टेप है यहाँ पे। तो ये चारों स्टेप कौन कर सकता है, कौन समझ सकता है? चेतन तत्व। अच्छा कौन समझो? श्रुति, भगवान बात चलो, अभिनय कौन कर रहे हैं? श्रुति माता ये शब्द प्रयोग किया, ये श्रुति को बलवान करने के लिए। श्रुति एक चेतन तत्व है, मतलब हमारी जो जिसको जिसके द्वारा हम जो शब्द प्रयोग करने के लिए, शब्द प्रयोग करने वाला एक चेतन तत्व होता है। इसलिए तो ये सांख्यवादियों ने इक्षत इक्षत अधिकरण में ब्रह्मसूत्र इक्षत अधिकरण शब्द, सांख्य की जो चेतन जो प्रकृति को माना गया है वो जगत की सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। क्यों? सो ऐसा श्रुति नहीं कर, श्रुति के द्वारा नहीं, क्योंकि हमने इक्षत ही इक्षत शब्द का प्रयोग किया, विचार किया, चिंतन किया, अभिनय किया उसने। ये जो अभिनय है ना, मतलब क्या हुआ? श्रुति को अभिनय कौन करता है? अभिनय ना दर्शयति कः? श्रुति अभिनय का तरह कौन दिखाते? अयम आत्मा ब्रह्म करके। और श्रुति मतलब क्या? जो गुरु परंपरा से प्राप्त होगा। श्रुति मतलब शब्द राशि लिखा हुआ शब्द राशि नहीं है, पहले लिखने का परंपरा नहीं था, पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, पहले तो गुरु मुख से सुन के आया हुआ है, लिखने की परंपरा तो बाद में आया। इसीलिए वो जो गुरुमुख से परम जो वाक्य निकाल करके सुनते हैं वो श्रुति वाक्य है, उसी को स्वयं जो है चेतन रूप में दिखाना चाहते हैं भगवान का जगह। श्रुति यहाँ पे हिंदी तो श्रुति वाक्य है, अथर्व अंगेरा शिष्य इसका अथर्व है ना, इसका मंत्र तो ऋषि है, परंतु श्रुति वाक्य भी चेतन बराबर चेतन का मान्यता देना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भगवान भाष्कर के, मतलब हम उसी में भी मतलब देखने वाले ऋषि और उसके तरह देखा गया मंत्र, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब चेतनता दो, इसीलिए तो सब हम लोग बोलते हैं ना मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम, मंत्र में समर्थ है, शब्द में सामर्थ्य से एनर्जी। तो ये जो क्या होता है कि वो एक ये आप देखिए एनर्जी कन्वर्ट होता है, एनर्जी नया उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वो जो हम देखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसी प्रकार शिव शक्ति में कन्वर्ट होता है, एक ही तत्व है ना। इसी प्रकार वो जो श्रुति वाक्य सामान्य रूप से वो जो है शिव रूप है, गुरुमुख से शक्ति रूप में अभी करते होते हैं, ये चीज को समझना है हमको, ठीक है ना। कि मैं बोला ना कि इसको इसमें एक एक भाष्यकार के शब्दों का आप ध्यान देंगे तो आपको विषय वस्तु संबंध बिल्कुल पक्का एक कंसेप्ट आ जाएगा कि यस दिस इज अवर दिस इज अवर सिद्धांत थियोरी, हमारे साथ इसी आधार पर चलेंगे। चेतन कोई नहीं है, चेतन अभिव्यक्ति की जो स्थान की कमी के कारण, जड़ कोई नहीं है, चेतन की अभिव्यक्ति की कमी है वहाँ पे, इतना ही मात्र है। अब वहाँ पे देखिए अयम शब्द मतलब अभिनय करके चतुष्पादेना, चतुष्पाद मतलब आगे बोलेंगे, ये चार पैर की मतलब कल्पना करके, चार पैर की कल्पना किया गया वहाँ पे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय, ये चार पाद है जीव और मात्रा है ओंकार की अ उ म और साइलेंट मात्रा तुरीय मात्रा होती है। तो यहाँ पे ये चार पाद की कल्पना करके प्रविभाज्य मानव उसको विभाजित करके प्रत्येक आत्मतया उसी को जो है प्रत्यक्ष स्वरूप भूत करके अभिनय न निदर्शन, अभिनय क्या हुआ? अयम आत्मा, ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये परिच्छिन्न जिसको तुम समझ रहे हो यही व्यापक है, इसीलिए महावाक्य है, है ना। जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपाद, महावाक्य मतलब लंबा चौड़ा वाक्य नहीं है, छोटे में जीव ब्रह्म के एकत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्य। यदि अयम शब्द नहीं देता तो क्या होता? ब्रह्म आत्मा
हाँ भिन्न रूप में, जैसे द्वैतवादियों के सिद्धांत पक्का हो जाता है, इसलिए अयम शब्द प्रयोग किया। अब क्या दोनों को जोड़ दिया, तीनों का आप देखिए, तीनों सामान सामानाधिकरण में अयम भी नॉमिनेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर, आत्मा नॉमिनेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर, ब्रह्म को न्यूट्रल जेंडर में ही चलते हैं, इसलिए वो भी मैस्कुलिन सिंगुलर है, न्यूट्रल जेंडर मैस्कुलिन सिंगुलर। आप दोनों को सामानाधिक मत कहेगा, एक वस्तु है जैसे उसमें आता है तैतरियों में नील सुगंधि उत्पलम, तो ये एक ही वस्तु का अखंड एक वस्तु का बोध कराता है, विशेषण विशेष वहाँ पे तो विशेषण विशेष लक्षण लक्षण कुछ भी नहीं हो सकता, बाद में बोल दिया समझाने के लिए है ना, नील सुगंधि उत्पलम कर कैसा बोला था। यहाँ पे अयम आत्मा ब्रह्म तीनों को सामान्य एक विभक्त प्रयोग क्या था, एक अखंड व्यापक वस्तु का बोध कराता है, एक अखंड व्यापक वस्तु, और आत्मा में चेतनता है यानी कि अखंड व्यापक चेतन, मैं जड़ कभी भी मैं नहीं हूँ, ये तो सबका बोध होता ही है, अपने आप ही होता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इस अभिनय ने निर्देशती अयम आत्मा इति। अब देखिए टीका में आ जाइए, जब ब्रह्म श्रुत्या सर्वात्मक उक्तम तन्न परक्षमिति मंतव्य, ये जो श्रुति के द्वारा जिस ब्रह्म शब्द को यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और सर्वात्मा है ना सबके अंदर बैठे सर आत्मा ब्रह्म बोला ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं जब ब्रह्म श्रुत्या श्रुति के द्वारा सर्वात्मा मुक्तम सर्वात्मा चका तन्न परोक्षम मंतव्य इति मंतव्य, परोक्ष ऐसा नहीं समझना है किंतु अयम आत्मा इति देखिए, समझ में आया आपका, देखा कर निर्देश कर दिया आत्मा और ब्रह्म को यदि अलग अलग करके बोलता तब तो परोक्ष हो जाता, परंतु साथ में एक अयम पद लगा करके क्या कर दिया, और तीनों को सामान्य अधिकार में एक अखंड वस्तु का बोध हुआ, अभेद हो गया है, अभेद अखंड एक ही वस्तु का बोध कराया, और आप मैं बोलते ही हमारे अंदर चेतना का अपने आप समझ में आता है जो अखंड व्यापक चेतन का बोध होता है, इसलिए आप बोलते हैं कि ये समझना पड़ेगा कि मंतव्य किंतु अयम आत्मा इति योजना, और वहाँ पे जो फिर आया है अयम इति, तो अयम शब्द का अभिप्राय को भगवान आनंद गिरि जी ने कह दिया, भगवान भाष्यकर भी कहा अयम से क्या लिखा है, अपरोक्षत्व लिखा है, आत्मा आत्मा की जो व्यापकता की अपरोक्ष होती है, अपरोक्ष मतलब क्या हो गया, मैं बोला प्रत्यक्ष मतलब किसी माध्यम से होता है, अयम शब्द के द्वारा क्या कर दिया, इसी माध्यम से ये बोध नहीं होगा, यहाँ तक नॉट इवन योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, विदाउट हेल्प ऑफ योर माइंड एंड इंटेलेक्ट यू कैन अंडरस्टैंड इट, ये अयम शब्द के द्वारा जो अखंड वस्तु का बोध होता है उसमें परोक्ष तो नहीं है, वो अपरोक्ष रूप है, माइंड एंड इंटेलेक्ट की शुद्धि की आवश्यकता है, परंतु उसके द्वारा आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ना, इसीलिए हमें बोलते हैं चतुष्पादेन विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीयतेन इति, अर्थ वहाँ पे कहाँ है चतुष्पादेन, भाष्य में देखिए चतुष्पादेन पहले कौन है वास्तविक सृष्टि के दृष्टि में, पहले कौन है तुरीय, पहले है तुरीय, पहले है, परंतु समझने के लिए पहले कौन है, तुरीय को सीधा नहीं समझ पाएंगे, समझने के लिए पहले कौन है विश्व, हाँ जागृत अभिमानी चेतन। अब देखिए विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं ठीक, विष्णु सहस्त्र नाम में अब देखिए ओम विश्वम विष्णु बसटकार भूत भव्यम, अब देखिए वो विष्णु को समझने के लिए पहले विश्व शब्द का प्रयोग किया, समझना है, ओम तो परमात्मा के नाम है, फिर पहले विश्व प्रयोग क्यों किया वहां पे, क्योंकि विष्णु को समझने के लिए व्यापकता को समझने के लिए आपको समष्टि चेतना तक पहले समझना चाहिए, विश्व आपको स्थूल राम रूप देखना है, इसीलिए विश्व से शुरू किया यहाँ पे विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीयत्वेन, ठीक है ना, यहाँ पे इसका व्याख्या आपने आप बोलेंगे, ध्यान रखने की शब्द प्रयोग की शैली और क्यों इस प्रकार से किया जा रहा है कि एक उस तुरीय को समझने के लिए आप विश्व को समझे बिना तुरीय को नहीं समझ सकते, विराट देखो नाम रूप की परिधि कहाँ तक है, जहाँ तक है वहाँ तक हमारी व्याप्ति है, और फिर जो है उसमें से स्थूल भाग को छोड़ करके सूक्ष्मता भी वहीं तक है, तेजस मतलब समझे सूक्ष्म अंश, प्राज्ञ मतलब हो गया अज्ञान, प्राज्ञ मतलब हो गया समष्टि अज्ञान, ठीक है ना, अव्यक्त अवस्था, इसी के अंदर अनुसूत है वो तुरीय तत्व, इसी के अंदर अनुसूत है जो तीन से परे है वो इससे अलग नहीं है,
वो तीन से परे होते हुए भी तीन के अंदर रहते हैं परंतु तीन के साथ असंबंध रहता है। इसीलिए उसको उसकी विलक्षणता को समझाने के लिए तुरीय चतुर्थ कहा गया है, परंतु वो चतुर्थ अलग कर कभी नहीं हो सकता। प्राज्ञ प्राज्ञ मतलब आपकी सॉरी आपको क्या विश्व विश्व मतलब स्थूल अभिमानी चेतन, स्थूल अभिमानी चेतन। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तेजस, तेजस मतलब क्या हो गया, अगर स्थूल भाग हट गया सूक्ष्म अभिमानी चेतन। ये व्यष्टि में बोल रहे हैं, आपको इसको समष्टि तक ले जाना है। विश्व से विराट, तेजस से हिरण्यगर्भ और प्राज्ञ से ईश्वर, तब उसके पीछे तब तुरियों की व्यापकता। इसलिए विश्व में बैठ करके मतलब समष्टि व्यष्टि चेतन में बैठ करके समष्टि चेतन के तक साथ एकात्मता करना, व्यष्टि चेतन में बैठ करके समष्टि चेतन को समझना। ये चेतन चेतन में परिच्छिन्नता नहीं है, परिच्छिन्नता नाम रूप में है। ये आपको जागृत अवस्था में बैठ करके ही परिच्छिन्नता में अभिमान रख करके आप ये चिंतन कर सकते हैं। इसलिए विष्णु को पहले लाया, तब जाके विष्णु समझ में आता है। अच्छा बसठकार में क्या है, छह ये जो ईश्वर होता है ना, ईश्वर में छह तत्व होता है, ईश्वर जस्य समग्रस्य धर्मस्य जस्य जस्य वैराग्यस्य तो मोक्षस्य सन्ना सन्न भगैति इंगना। तो ये ईश्वर तत्व तो क्या वस्तु है, विष्णु क्या वस्तु है, ये छह गुण जिसके अंदर नित्य रूप से विद्यमान है। बी षटकार विशेष रूप में छह आकार जिसमें बैठा हुआ है। ये कर्मकांडों की अर्थ अलग करो, वेदांत दशम पीठाधीश्वर थे ना, रामचरित मानस की एक एक श्लोक को वेदांत विषय कितना सुंदर करते थे। और वो बचपन से बिहार के थे ना, बचपन से रामचरित मानस पढ़ते थे, परंतु उनके गुरु जी ने उनको पूरा रामचरित मानस के सारा पूरा ये वेदांत में मतलब इसका अर्थ पूरा वेदांत तो भरा हुआ है ऐसा। तो ऐसे ही ये विष्णु 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 मतलब विष्णु सहस्रनाम नाम वो भी वेदांत ही है। मुख्य रूप से तो यही देखो ना कि एक ही तत्व तो सारा नाम रूप वाला, वो तो दिखाने के लिए विष्णु सहस्रनाम है और एक ही तत्व का ही तो नाम रूप है, ऐसे ही है। इसी प्रकार यहाँ से ये जो बोल रहे हैं विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीयत्वेन, तो समझ आया विष्णु विष्णु वशटकार। जब सारा ग्रंथ थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है ना, अब वेदांत तो समझना आसान हो जाता है और आसान हो जाता है। तो अब क्या होता है, वहां पे ऐसा क्यों कहा, ये जो है विश्व में बैठ करके हम व्यापकता को समझ सकते हैं और व्यापकता की उपाधि है ये, तो छह गुण संपन्न है ना, ऐश्वर्य से समग्र से और उससे रहित है, सारा विचार से रहित है। तो चतुष्पत्तेन विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीयत्वेन इति अर्थ हो गया चतुष्पत्ते प्रभिवज्य मानव प्रकृष्ट रूप से विभाग करते हुए प्रत्येक आत्मतः अभिनय, यहाँ पे प्रत्येक आत्मा रूप में अभिनय करके दिखाते हैं। अभिनय किसको बोलते हैं जी, देखो टीका लिखते हैं ये करके रखना, अभिनय नाम विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति अर्थम असाधारण शरीर व्यापार तेन हस्त अग्रम हृदय देशम आनीय कथयति इति अर्थ। पहले अभिनय किसको बोलते हैं, अभिनय बोलते हैं अभिनय नाम, अभिनय मीन्स विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति अर्थम। हम देखते हैं कोई एक अभिनेता कितना अलग 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 रोल में एक्टिंग करते हैं। अभिनय क्या होता है, कोई एक विवक्षित अर्थ को समझाने के लिए जब वो प्यार की भूमिका का अभिनय करता है तो उनका एक्सप्रेशन अलग होता है, जब मार पेटी करता है तो उसका अलग होता है, तो सामान्य करता है एक्सप्रेशन अलग होता है। भगवान भास्कर ये बोलते हैं अभिनय नाम, मतलब पहले भी ऐसा था, आनंद के जी बोल रहे हैं उस समय जो है ड्रामा आदि ऐसे सिनेमा नहीं था, ड्रामा आदि होते थे। तो अभिनय नाम विवक्षित अर्थ, जिस अर्थ को हम कहना चाहते हैं अभिष्ट अर्थ को, विषय को प्रतिपत्ति अर्थ बोध कराने के लिए असाधारण शरीर व्यापार, शरीर मतलब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर असाधारण व्यापार, जिससे कि वो समझ में आ जाए, जिससे कि वो समझ में आ जाए। अब जानते हैं हमारे जो काव्य में भी छह रस होता है, ये काव्य में बी रस को प्रयोग करता है, तो काव्यकार वहाँ पे जो मूर्था शब्द जो आवाज होता है ना उस प्रकार के शब्द प्रयोग करता है। जब प्रेम रस निग्ध रस होगा वहाँ पे जो है आपका तालु वर्ण आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। साहित्य में भी ऐसा है, वर्ण के माध्यम से आपकी रस की अधिक होता है। आप जानते हैं कि अभिनेता वास्तविक अभिनय करके दिखाते हैं, ठीक है ना, अभिनेता इससे भिन्न नहीं होता है।
अलग अलग, ठीक है ना। इसीलिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभिनय नाम विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति अर्थम असाधारण शरीर व्यापार, असाधारण शरीर के व्यापार को हम अभिनय कहते हैं, ठीक है ना। तेन, अब इस अभिनय कौन कर रहे हैं, श्रुति मतलब श्रुति मतलब जो गुरु परंपरा से आया हुआ है, तो गुरु जो है शिष्य को दिखा रहा है। तेन हस्ताग्रम, हाथ के अगला भाग, ये हाथ के अगला भाग हृदय देशम आनीय, हृदय की देशभक्त में ला करके गुरु जी कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, नहीं अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा पहले क्या बोला कि हृदय हस्ताग्रम, हस्त के अग्रभाग हृदय देशम आनीय, हृदय देश में ला करके क्या दिखाते अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं हृदय देशम आनीय कथयति इत्यादि, हो गया अभिनय, ये हो गया अभिनय। अब अभिनय कोई कर रहा है, आपको एक ही व्यक्ति अनेक रूप में अभिनय करता है, परंतु जो अभिनेता का यथार्थ तो स्वरूप जानना हमारा काम है। श्रुति जिस परम तत्व को कहना चाहता है वही हम जागृत स्वप्न सुषुप्त में अपने जो है अलग अलग एक्सप्रेशन के द्वारा अलग अलग वस्तु को भोग करते हैं, परंतु वास्तविक जो इस जागृत और स्वप्न सुषुप्ति के अंदर अनुसूत है उसका अभी तक हम पहचान नहीं पाया, वो हो गया अभिनेता के यथार्थ स्वरूप। अरे हो गया अभिनय, एक मुकुट पर के उसका अभिनय करना है। आगे बोले किसको देखे, अभिनय नाम विवक्षित, विवक्षित अर्थ प्रतिपत्ति अर्थम असाधारण शरीर व्यापार तेन हस्ताग्रम, से क्या किया हाथ की अग्रभाग हृदय देशम आनीय, हृदय की सामने में ला करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि आनीय कथयति, वे बोलते हैं यही आत्मा सो अयम इत्यादि, ये हो गया अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ तक हो गया, ठीक है। महावाक्य का अर्थ करते उसके आगे मूल में क्या है स्वयं आत्मा चतुष्पाद, ठीक है ना। अब ये अयम आत्मा ब्रह्म इतना ही पर्याप्त तो था उत्तम अधिकारी के लिए, बस यही आत्मा ही ब्रह्म है, शुद्ध अंतकरण होगा उस उतना भी उतना स्फुरण हो जाएगा, परंतु नहीं है, श्रुति जानते हैं सभी व्यक्ति इतना नहीं होगा। अब उसको समझाने के लिए वो क्या करते हैं एक और रास्ता अपनाते हैं, तब इसके ऊपर पात के आरोप करते हैं, एक निर्गुण निराकार निष्कलम कला रहित, कला रहित आकार रहित व्यक्ति को यहाँ पे चार कला में कहाँ से भागेंगे, इसलिए यहाँ पे यह आरोप प्रक्रिया धारण करके इसे बोलता है सो अयम इत्यादि वाक्यांतर। इस मंत्र में तीन भाग है, सर्वम गुम भी एतद ब्रह्म, ये पहला भाग हुआ है, अयम आत्मा ब्रह्म इसका दूसरा भाग हुआ है, सो अयम आत्मा चतुष्पद ये तीसरा भाग है, ठीक है। तो सो अयम इत्यादि वाक्यांतरम अवतार्य व्याकरण, इस वाक्यांतर को अवतरण करके उसका व्याख्या करते हैं। अब आ जाइए ऊपर स्वयं आत्मभाष्य में, ओंकार अभिधेयम है ना, ओंकार हो गया अभिधान, और ओंकार का अभिधेय जो वाच्य है परापरत्वेन व्यवस्थित, उसका एक पररूप भी है एक अपर रूप भी है, एक पररूप भी है, पर मतलब सामान्य रूप से परार्थ कहते हैं ऊपर है मतलब वो दूर है, अपर मतलब पास, तो मेरा नजदीक अपना है, पर मतलब दूसरा हो गया, अपर मतलब अपना, और परापर में जहाँ पे कहीं पे पर मतलब श्रेष्ठ अपर मतलब घटे, ये भी अर्थ होता है, ये अर्थ भी आता है। आप देखिए ठीक अगर समझाएंगे हमको, परापरत्वेन मतलब सो अयम आत्मा ओंकार अभिधेय, वो जो आत्मा जो ओंकार आत्मा ब्रह्म बोला, स्वयं आत्मा अयम आत्मा ब्रह्म बोला, तो आत्मा और ब्रह्म जिसको ओंकार शब्द के द्वारा कहा गया है परापरत्वेन व्यवस्थित, पर और अपर रूप में व्यवस्थित करके चतुष्पाद, चार पैर वाला बोला है। तो चार पैर वाला मतलब क्या, गाय के चार पैर कुत्ते के, बोले नहीं ऐसा नहीं, काशापनवत, काशापन मतलब एक जो जो पॉइंट अथवा जो व्यवहार करने के लिए पहले जमाने में आप एक दुकान में गए, दुकानदार के पहले जैसा था, मैंने कहा चौवानी का चीनी दे दो, चौवानी का दाल दे दो, चौवानी का आप तेल दे दो, और चौवानी का चावल दे दो, आपने चार चार आने का जिन्स लिया, आपने दुकानदार को एक रुपया पक्त किया, दुकानदार बोला आपने चार चीज लिया एक एक क्यों दिया, बोलते इसी एक में चार, दुकानदार बोले नहीं मेरा पूरा हो गया, कंसेप्चुअल मतलब वही व्यक्ति अगर उसको चार चीज लिया वो चार टुकड़ा करके देता हूँ दुकानदार को, देगा वो नहीं देगा वो चार टुकड़ा करने से, नहीं तो अब तो ये टुकड़ा चला जाएगा, वो उसका वैल्यू चला जाएगा, वो जब एक रूप में रहेगा तभी उसमें चार की कंसेप्ट आना है, ये ध्यान रखना। यहाँ भी ऐसे ही पूर्णों में चार की कल्पना हो रही है, पूर्णों को टुकड़ा करने जाएंगे तो कभी भी उसका व्यवहार जो को नहीं रहेगा, व्यवहार जो को नहीं रहेगा, इसीलिए आप बोलते हैं
कि स्वयं आत्मा इति ओंकार अभिधेय परापरतेन व्यवस्थित चतुष्पाद, वो आत्मा चार पैर जैसा है। काशापनवत् न गौर इव इति, गाय की चार पैर की तरह अलग अलग लगना हो ऐसा आप नहीं देख सकते इसको। काशापनवत् एक रुपया में जैसा होता है ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए कंसेप्ट। अब इसको टीका में देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भगवान भाष्यकार बोला परापरत्वेन, तो पर मतलब सर्व अधिष्ठानतया परक्ष रूपेण परत्तम, सबको अधिष्ठान के रूप में जब आप देखते हैं तो क्या हो गया वो परक्ष रूपेण दूर दिखाई पड़ने से परत्त आया, और प्रत्यय रूपेण जो अपरत्तम, अपरत्तम मतलब प्रत्यय रूप में जब देखते हैं अपर मतलब अपना, तेन कार्य कारण रूपेण सर्वात्मन, इस प्रकार से कार्य और कारण रूप में सभी के अंदर विद्यमान रहता है कौन, ये जो आत्मा जो व्यवस्थित सन आत्मा सन, यहाँ पे न आत्मा नहीं पढ़ना द्वित्व हो गया वहां पे, सन आत्मा ठीक है ना, न द्वित्व हो गया वहां पे, ये क्या सूत्र है गमु रस्यत अचि गमु नित्य वैसे कुछ था आपके पास ऐसे आया था कि रस्य अकार के बाद यदि आपका हलंतम नकार हो मूर्ध नकार और गतव नकार हो तो द्वित्व हो जाए, बाद में अच्छा होना चाहिए, बाद में अच्छा ना गमूत अच्छी गमूत नित्तम अच्छ बाद में होना चाहिए। तो सन में आगे स्व में आकार है, आगे आत्मा के आकार है तो दिव्य हुआ वहां पे, यदि नहीं समझेंगे तो फिर उल्टा ही अर्थ हो जाएगा फिर, ठीक ठीक है ना, कि सर्व अधिष्ठानतया परक्ष रूपेण परत्तम, सबके अधिष्ठान के रूप में जब दिखाई पड़ता है उसमें परत्त आता है, परंतु जब प्रत्यक रूपेण च अपरत्तम अपनापन आता है, तेन कार्य कारण रूपेण, इस प्रकार से कार्य और कारण दोनों रूप में ही सर्वात्मना सभी के स्वरूप भूत होकर के व्यवस्थित सन व्यवस्थित रहते आत्मा प्रतिपत्ति शोकर जातम, उसकी बोध की शुक्रता के लिए, प्रतिपत्ति मतलब बोध, बोध की शुक्रता के लिए चतुष्पाद कल्पते, उसमें चार पाद की कल्पना की जाती है। ये देखिए मतलब क्या, उत्तम अधिकारी के लिए अयमात्मा ब्रह्म यही पर्याप्त था, सामान्य अधिकारी के बोध में लाने के लिए ये पाद की कल्पना की गई। ध्यान रखना पाद आत्मा में नहीं है, पाद की कल्पना की गई है, तो आत्मा को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कल्पना किया उसको हटाना पड़ेगा, उसको निषेध करना पड़ेगा, ये अध्यारोप अपवाद, जब आपने चार पाद की उसके ऊपर अध्यारोप किया आपको अपवाद करना पड़ेगा, ठीक है, आप अपवाद प्रक्रिया भी बोलेंगे यहाँ पे आगे जाकर, ठीक है। तो समझ में ये सर्व अधिष्ठानतया परक्ष रूपेण परत्वम और प्रत्यक रूपेण जो अपरत्तम, यहाँ पे पर अपर मतलब दूर और अपना, इतना समझना। तेन कार्य कारण रूपेण, इस प्रकार से कार्य कारण दोनों रूप सर्वात्मना सभी का अधिष्ठान भूत व्यवस्थित सन व्यवस्थित रहे तो आत्मा की प्रतिपत्ति सौकर्यम, आत्मा प्रतिपत्ति सौकर्यम, इसकी बोध की शुक्रता के लिए चतुष्पाद कल्पते, चार पर में कल्पना करते हैं। इस विषय में दृष्टांत देते हैं भगवान भाष्यकार, तत्र दृष्टांत, इस विषय में दृष्टांत दिया हुआ है, इस प्रकार रुपया में चार पाद की हमने कल्पना किया, अथवा सौ पैसा की हम एक रुपये सौ पैसा, जब नया पैसा आ गया सौ नया पैसे कल्पना किया व्यवहार सौकर्ज के लिए, आपने दस पैसे का कुछ पहले जमाने में मिलता था हमारे बचपन में, मतलब तो पाँच पैसे का मिर्ची, पाँच पैसे का आलू, पाँच पैसे का दस बीस पैसे का कुछ अलग अलग वस्तु लिया, आपने उसको पचास एक पचास का कॉइन भी दे सकते, अथवा एक रुपया दिया, एक रुपया होगा तो एक रुपया मतलब हमारा पूरा हो गया, सौ पैसा पूरा हो जाता है, ये कल्पित है, कल्पित मतलब व्यवहार शुक्रता के लिए मान्यता दी गई है, व्यवहार शुक्रता के लिए मान्यता दी सुनते हैं। प्रतिपत्ति चतुष्पाद कल्पति दृष्टान्त काश्यपनवत्, काश्यपन क्या हुआ, टीकाकार बोलते हैं देश विशेषे काश्यपन शब्द षोडश पणानाम संग, सोलह सोलह आने का एक काश्यपन बोलते थे, ऐसा किसी देश विशेष में ऐसा प्रयोग था, किसी देश विशेष में ऐसा प्रयोग होता था, कैसे कॉइन है एक जिसके अंदर इतना है, जिस प्रकार इतने एक एक देखिए आपका अभी इस समय जो 500 रुपया और 100 रुपया दोनों में आकार आकृति में कोई केवल कलर में थोड़ा भिन्नता है, परंतु किसी आपने व्यापार करने हमारी मान्यता मात्र है और कुछ नहीं है, पेपर भी है कागज भी है, केवल हमारी मान्यता मात्र, सरकार ने बोल दिया हम आप प्रतिज्ञा करते हैं इसके विनिमय में आपको 500 रुपये का सामान दिया जाएगा, और लिख दिया कि इसकी 100 रुपये करे बस उस कागज का नाम वैल्यू हो गया, इतना हाँ जी, ये इतना ही तो हुआ, ये मान्यता ही अभिमान है,
आगे बोलेंगे जागृत देव भगवान कि संत आत्मा प्रति बचे देश विशेष का सपन शब्द षोड़ सपन संध्या तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्याय पाद कल्पना क्रियते तथा यह अर्थ इस वहाँ पे इस व्यवहार शुक्रता में जिस प्रकार से व्यवहार की प्रचुरता के सामान्य व्यक्ति भी व्यवहार कर पाए सभी व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं होता कि हम 100 रुपया ही खर्च करें। इसलिए हमारे पास 50 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ये भी बनाना पड़ता है 1 रुपया 2 रुपया क्यों सभी व्यक्ति के पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं होता। एक ही चीज़ कोई व्यक्ति 100 रुपये में बोतल खरीद के लाता है तो वो अपने और कोई व्यक्ति 10 रुपये में भी लाता है एक ही वस्तु दुकान भिन्नता उसका स्टेटस की भिन्नता महंगा हो गया और वो व्यक्ति 100 रुपये अपने अपने स्टेटस है अमीर आदमी है बस क्या पैसा खर्चा करने जगह नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं कि तत्र यथा व्यवहार प्राप्त प्राचुर्य मतलब सभी व्यक्ति व्यवहार कर पा ये देखिए व्यवहार की प्रचुरता कब आता है पैसे वाले व्यक्ति के पास अधिक पैसा है उसका व्यवहार किस जगह है मतलब गरीब व्यक्ति को भी तो व्यवहार करना पड़ता है वो दुकान में जाकर के रोज बेचारा भीख मांगता है मैंने ऐसा भी देखा भीख मांगता है उसको शाम के वक्त मान लीजिए 2 रुपया 3 रुपया होगा वो दुकानदार के पास जाके बोलता है मेरे को एक पोह चावल दे दो थोड़ा दाल दे दो एक आलू दे दो थोड़ा ये दे दो दुकानदार 2 रुपये का सामान उनको देता है उसको पका करके खाया फिर दूसरा यदि ये मतलब 10-20-30 पैसा 4 आने का व्यवहार नहीं होता तो व्यवहार शायद प्राचुर्य कैसे होता गरीब व्यक्ति कैसे जीते। इसी प्रकार बौद्धिक गरीब व्यक्तियों को भी आत्मा समझ में आ जाए इसलिए ये 4 पाद की बात समझ सभी व्यक्ति अमीर नहीं है इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म के बाद हम मैं नहीं बोल रहा हूँ भाष्टिका का बोल रहा है इस चीज को व्यवहार प्राचुर जाए प्राद कल्पना व्यवहार की प्रचुरता के लिए पाद की कल्पना की जाती है ठीक इसी प्रकार यहाँ पे सभी व्यक्ति के समझ में आ जाए आत्मा क्या वस्तु इसलिए आत्मा में पाद की कल्पना की गई है आत्मा में पाद की कल्पना की गई है तथा तथा यह भी ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार आत्मा में भी इति अर्थ यथा गोष चतुर्पाद चतुष्पाद उच्यते न तथा चतुष्पाद आदिष्टुं शक्यते कस्मात् निष्कल श्रुति व्यापकात् निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरबद्धम निरंजन इस श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा यदि आत्मा वास्तविक 4 पैर वाला हो जाए तो निष्कलम निष्क्रियम शांति श्रुति की विरोध हो जाएगी। इसलिए बोलता है यथा जैसे गहुर गाय का चतुष्पाद उच्चते गाय 4 पैर वाला होता है ऐसा कहा जाता है न तथा उस प्रकार आत्मा भी 4 पैर वाला होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता न तथा चतुष्पाद आदिष्टुं शक्यते इस प्रकार यहाँ पे श्रुति ऐसा आदेश नहीं कर सकते है क्यों नहीं कर सकते उसका श्रुति बोलती है निष्क्रम निष्क्रम शांतम निरबद्धम निरंजन उसके साथ विरोध हो जाएगा क्योंकि तो एक शब्द प्रयोग कर देते हैं निष्कल श्रुति मतलब निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरबद्धम निरंजनम अमृतस्य परम ऐसा कुछ आया हो इति न गौर इव यहाँ पे भाष्यकार बोलता है न गौर इव ठीक है। अब जो आया हुआ यहाँ पे त्रयाणाम विश्वादीना वहाँ पे 4 बोला था विश्व टीका का नाम दिया था विश्व तेजस प्राज्ञ और फिर तुरी तो यहाँ पे बोलते हैं अब कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे उसको लेकर के यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए भाष्यकार बोलते हैं कि त्रयाणाम विश्वादीना पूर्व पूर्व प्रविलापनेन अच्छा तो आगे पहले हमको थोड़ा ये पढ़ना पड़ेगा ठीक है मैं आइए विश्वादेशु तुरियांतेशु फर्स्ट कौन है विश्व और अंतिम कौन है तुरीय विश्व राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द विश्व अप टू तुरीय विश्वादेशु तुरियांतेशु पाद शब्द यदि करण उत्पत्ति का यदि यहाँ पे पाद शब्द का आप केवल करण उत्पत्ति लेंगे करण उत्पत्ति मतलब पद्यते अनेन इति पाद जिसके द्वारा चला जाता है पद धातु है फोर्थ कॉन्जुगेशन आत्मनिपद धातु है पद्यते अच्छा फोर्थ आत्मनिपद वहां पे पाद मंत्र घ प्रत्यय करके पद धातु से घ प्रत्यय करके पाद शब्द बनते हैं परंतु घ प्रत्यय में आपका क्या अभिप्राय है यदि करण अर्थ में प्रत्यय हो सकता है कर्मार्थ भी हो सकता है स्वार्थी प्रत्यय हो सकता है यहाँ पे बोलता है यदि करण अर्थ में प्रत्यय करेंगे करण अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा चारों ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति या तुरीय चारों करण में आ जाएगा तो तुरीय जो प्राप्त करने जो ये नहीं समझ में आएगा वो भी एक साधन हो जाएगा पद्यते अनेन इति पादो जिसके ऊपर चल करके जाया जाता है उसको पाद कहते हैं। यहाँ पे जो है करण अर्थ में घ प्रत्यय हुआ है
दूसरा क्या है, चौथा पाद के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि कर्म उत्पत्ति जिसको प्राप्त किया जाता है वो पाद है। मतलब यहाँ पे भी घय प्रत्यय हुआ है परंतु कर्म अर्थ में घय प्रत्यय हुआ है, कर्ण अर्थ में नहीं है। पद्यते इति पाद, पद्यते इति पाद जिसको प्राप्त किया जाता है उसको पाद बोलते हैं। पहले क्या बोला था, पद्यते अनेन इति पाद, दूसरा में क्या हो जाएगा उत्पत्ति, पद्यते इति पाद, पद्यते अनेन में हो गया करण प्रति विभक्ति, मतलब करण शासन दिखाने के लिए, और पद्यते इति पाद हो गया साध्य विभक्ति प्राप्त, उपाय और उपाय इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा। यदि चारों को एक कैटेगरी में रख देते तो अब क्या होता, या तो चारों चारों साधन हो जाता अथवा चारों के चार साध्य हो जाता, तब समस्या नहीं मिटती और समस्या बढ़ जाती। इसलिए आप एक समझ मारे क्यों भगवान भाष्यकार आगे ऐसा बोल रहे हैं, जब विश्वादिशु तुरियांतेशु पाद शब्द यदि कर्ण उत्पत्ति, यदि केवल मतलब चार में कर्ण उत्पत्ति मानेंगे तदा विश्वादिवत चतुर्य से अपनी कर्ण कोटि निवेश, विश्व की तरह तुरीय भी कर्ण कोटि में आ जाएगा, तो वो जानने योग्य गेय असिद्ध हो जाएगा, वो तुरीय प्राप्त करने योग्य जानने योग्य वो सिद्ध नहीं कर पाए, वो कर्ण जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त करने योग्य वस्तु आपके पास नहीं रहेगा, केवल आप केवल प्रसाधन को ही दिखा दो, किसको शादी यहाँ पे चल के कहाँ जाना वो नहीं समझा पाओगे। इसलिए चतुष्पाद को भगवान भाषा विभाजन करते हैं, ठीक है। ज्ञान सिद्धि यदि तू पाद शब्द सर्वत्र कर्म उत्पत्ति कर, यदि हमें पाद शब्द हर जगह पे कर्म उत्पत्ति कर, मतलब पद्यते इति पाद ऐसा करते तब क्या होता, साधन पता नहीं लगता, साध्य मतलब आपको जागृत स्वप्न शुक्ति प्राप्त करना है, तुरी प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना वो पता नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि यदि तू पाद शब्द सर्वत्र कर्म उत्पत्ति कर तदा साधन असिद्धता, कुछ किस साधन से प्राप्त करेंगे पता नहीं लगेगा, यदि आशंक इसका किसी के मन में शंका है विभज्य उसको विभाजन करके पाद शब्द प्रवृत्ति प्रकट रहती, पाद शब्द की प्रवृत्ति को भिन्नता को भगवान वाचक स्पष्ट करके कहते हैं। तीन चीज करण विभक्ति है और एक चौथ, मतलब तीन पाद करण विभक्ति है और चौथा पाद कर्म विभक्ति, कर्म प्रति विभक्ति है, उसको देखिए यहाँ पे त्रयानाम। अब मैं इसमें भी कई समय लगेगा आपको, त्रयानाम विश्वादीनाम पूर्व पूर्व प्रविलापनेन तुरी अस्य प्रतिपत्ति इति कर्ण साधन पाद शब्द, ठीक है ना। तीन चतुष्पाद बोला, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, यहाँ पे पहले तीन पाद को लिया, पहले तीन पाद त्रयाणाम कौन है, विश्व तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों का पूर्व पूर्व प्रविलापनेन, पहले का दूसरे में प्रविलाप करके, प्रविलापन के तरह पूर्व मतलब विश्व को तेजस, तेजस को प्राज्ञ में प्रविलापन के द्वारा तुरीय से प्रतिपत्ति, तब उनको वो तीन जिन जिसका अथवा तीनों में जो अनुसूत है अथवा इस व्यवहार के तरह लिप्त नहीं है उसका बोध हो सकते हैं। तुरीय से प्रतिपत्ति की कर्ण साधन पाद शब्द, इसलिए पाद शब्द पहला तीन पाद कर्ण साधन है, ठीक है ना, मतलब पद्यते अनेन इति पाद, ठीक है पहला तीन पाद। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें थोड़ा सा और भी समझना कि पाद को लय कैसे करेंगे। अच्छा, और तुरियस पद्धति इति पाद भाषण देख रहे ना, मतलब कर्म साधन पाद, ठीक है ना, कर्म मतलब ये जो साधन मतलब कर्म उत्पत्ति का, देखो टीकाकार लिख रहे हैं कर्ण साधन मतलब कर्ण उत्पत्ति, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक कर्ण रूप में अनेन और पद्धति इति पाद जिसको प्राप्त किया जाता है, कर्म साधन मतलब कर्म उत्पत्ति का, एटमोलॉजिकली यहाँ पे कर्म विभक्त मतलब जिसको प्राप्त किया जाता है अथवा जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो क्या तीन के द्वारा चौथे को प्राप्त करेंगे, पहले तीन की धारा चौथे को प्राप्त किया, तीन को क्या करना पड़ेगा, एक को दूसरे में लय करना पड़ेगा। अब ये प्रक्रिया क्या है इसको आगे अपने आप थोड़ा सा ऊपर से समझेंगे। देखो दो प्रकार की प्रक्रिया है, इस पिंड को हमने देखा, कोई एक स्त्री पिंड को मतलब पुरुष पिंड को हमने देखा, ठीक है ना। अब उस पुरुष पिंडों में वो पुरुष पिंड हमारा सृष्टि नहीं है, जागृत काल में हम क्या करते हैं, परमात्मा के सृष्टि जगत को जागृत काल में परमात्मा सृष्टि जगत को हमने विषय रूप में ग्रहण करके मैं और मेरापन बना करके व्यवहार करते रहते हैं। जागृत काल में परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ वस्तु को, दिया हुआ वस्तु को, उसमें कुछ अपना आत्मत्वपन जोड़ करके हमने क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। स्वप्न काल में क्या करते हैं, सारा सृष्टि हम अपने संस्कार से बना लेते हैं, फिर उसमें मैंपन जोड़ करके व्यवहार करते हैं।
अज्ञान का सुषुप्ति काल में क्या करते हैं, अज्ञान में कुछ ये दोनों को छोड़ करके ऊपर अपने अज्ञान में रमन करते रहते हैं। अब इन तीनों को एक एक करके लय करना है, एक को दूसरे में। इस प्रकार इस पिंड को हमने देखा, ठीक है, इस पिंड को हमने देखा, पिंड को देख करके ऊपर हमको स्थूल दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसके अंदर धीरे 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 प्रवेश करो, तो क्या दिखाई देगा, चर्म को हटा दोगे तो हड्डी खून दिखाई देगा, फिर हड्डी खून के आपको खोखलापन दिखाई देगा। शरीर में आप देखोगे, यदि आप शरीर को केवल शरीर में बना दोगे ना, गेंद की तरह हो जाएगा, हवा पानी इतना भरा हुआ। इसी प्रकार से उसके अंदर नस को देखो, शरीर के अंदर छिद्र को देखो, 9 करोड़ छिद्र यहाँ पे, कौन बना पाएगा बताओ, ऋषि लोग ने बता करके गया। इस प्रकार उस वस्तु में जो सॉलिड फॉर्म है, जिसके लाकर हम व्यवहार करते हैं, उपयोगी मानते हैं, उसकी खोखलापन को देखना सीखो, तब उसको उपयोगी, तो हमारे मन से हट जाएगा। एक दूसरी क्या है, उसी पिंड में अब क्या किया हमने, कोई पिता माता भ्राता सखा आरोप किया। ईश्वर ने पिंड को बनाया कि माता पिता भ्राता सखा स्त्री, ये सब हमारा मन से हमने आरोप किया। उस पिंड को हटाओ और ये अपने मनोराज्य को हटाना सीखो, परंतु फिर भी अज्ञान रह जाएगा, मतलब वस्तु है करके हमने व्यवहार करके उस पिंड में सत्यत्व, और पिंड में सत्यत्व नहीं है क्योंकि खोखला है, और उसके साथ जो संबंध जोड़ लिया था हमारा मनोराज्य था, समझ में आया। अब धीरे धीरे सारा सुनने में खराब लगेगा, परंतु सच्चाई तो यही है, उस सारा सारा रिलेशनशिप को धीरे 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 जो अपने मनोराज्य से बनाया था उसको काटने लगे, तो आपका स्थूल वस्तु भी गया, सूक्ष्म वस्तु भी गया, परंतु आपको रह जाएगा कि मैं परिच्छेद व्यक्ति का अज्ञान है तभी, हाँ, परंतु अज्ञान आपको किसी में प्रवृत्त नहीं करा पा रहा है अभी। सुषुप्ति काल में आपका अज्ञान रहता है, परंतु एक थोड़ा सा विचार करने इस चीज को, सुषुप्ति काल में आपका अज्ञान रहता है और वो क्या करता है, आपको जागृत अथवा स्वप्न की तरफ प्रवृत्त नहीं करा पा रहा, समझ में आया। सुषुप्ति काल में आप देख, जागृत काल में हमारा अज्ञान है, बाहरी विषय है, हमारे अज्ञान हमको धक्का मार के मन प्रवृत्त कराता है। स्वप्न काल में क्या होता है, हमारा अज्ञान है, हमारे संस्कार को अवलंबन करके फिर हमको प्रवृत्त कराता है सुख दुख भोग में, परंतु अब सुषुप्ति काल में क्या होता है, अज्ञान रहता है, प्रवृत्त नहीं कराता है। जागृत में बैठ करके विषय को देख करके धीरे धीरे उसका खोखलापन को देखो और उसके साथ संबंध को काटते जाओ, तब अज्ञान क्या होगा, आपको प्रवृत्त नहीं करा पाएगा। समझ आ रहा है आपको, साधन है ये, इसको यदि कर पाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आप बाहरी विषय की प्रवृत्त नहीं हो रहा है, परंतु अब ठीक है धीरे धीरे वो अज्ञान कम हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान बच कैसे जाता है, जब वो हमको प्रवृत्त तो करा पाता है तब तो वो बढ़ता है, जैसे जैसे अज्ञान आपको प्रवृत्त नहीं करा पाता उस तरह से अज्ञान कमजोर पड़ जाता है और अपना स्वरूप का भी व्यक्त होने लगता है। सुषुप्ति में जाए फिर आप बाद में बोलेगा, हाँ किस आनंदमय अवस्था में हम मिला, फिर उस अवस्था में एक समय आकर के अज्ञान अपने आप नाश हो जाएगा। ये जिसको बहुत कुछ अज्ञान की जो क्रिया हमको दिखाई, मैं दो प्रकार से बोला था, एक बोलते हैं कि भावना से शरीर इंद्र मन बुद्धि से अपने आप में, और बाहरी जगत से कैसे करोगे, बाहरी जगत से कैसे करोगे, बाहरी जगत किसी भी पिंडों में जो हमने बुद्धि बना रखा वो पिंड हमारी सृष्टि नहीं है, पिंड ईश्वर सृष्टि है, तो हमने जो मन ये पंचदशी में इसका इस प्रक्रिया को पंचदशी का बहुत अच्छी तरह समझाया, ये ईश्वर सृष्ट जगत तुम्हारे लिए प्रतिबंधन का कारण नहीं है, तुम्हारी मनोसृष्ट जगत तुम्हारी बंधन के कारण है। वो मन से जो तुमने ये माँ बाप भाई पिता माता बंधु मैं मेरा ये सब धीरे 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 तब तुम क्या हो जाएगा, स्वप्न अवस्था जागृत स्वप्न अवस्था में प्रविलय कर दोगे। ये स्वप्न अवस्था है, मन से जो जितना जोड़ते हैं संस्कार से मन से जो जोड़ता है वो हम स्वप्न अवस्था है, वो स्वप्न अवस्था प्रलय करते जाओ, तो क्या मतलब क्या हो जाएगा, अज्ञान आपको किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं करा पाएगा, अज्ञान आपको किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं करा पाएगा। ये चीज तो आप धीरे धीरे आप देखना किससे क्या हो जाएगा कि हमारी प्रवृत्तियां कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे 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 एक निष्ठ प्रवृत्ति होगा, केवल शास्त्र अथवा केवल आत्मा, भारी प्रवृत्ति चला जाएगा, और जैसे ये निष्ठा आता जाएगा एक समय अपने आप अभिव्यक्त होगा। अज्ञान यदि हमको प्रवृत्त करा रहा है, यानी कि अज्ञान को मैं मदद कर रहा हूँ उसको रोकना, ये है एक तीन शब्द बोला ना, पूर्व पूर्व प्रविलापन तुरस्य तुरस्य प्रतिपत्ति, इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये इतना मात्र लिखने से होगा नहीं, आपको शास्त्र आगे शास्त्र बताएंगे आपको, जागृत काल में साधन होता है
सुषुप्ति में आत्मा साधन स्वप्नावस्था में साधन नहीं होता, जागृत काल में। इसीलिए विश्व शब्द को पहले कहा, जागृत अभिमानी चेतन होकर के जागृति व्यवहार को जितने धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे उतना हम अपनी सर्व स्थिति में धीरे धीरे पहुंचेंगे। इस जागृत को कैसे स्वप्न में लीन करेंगे, जागृत में जितना वस्तु को खोखलापन देखना सीखो, और स्वप्न शिष्ट में आ जाओ क्या जो रिश्ता किया था वो रिश्ता को काटते जाओ मन से, तो केवल अज्ञान आपको किसी में प्रवृत्त नहीं करा पाएगा। जागृत काल में अज्ञान आपको ईश्वर सृष्ट वस्तु में भावना बना करके व्यवहार कराता है, स्वप्न काल में आपको ईश्वर सृष्ट वस्तु संस्कार से अपने संस्कार से वस्तु को उत्पन्न करके फिर संबंध जोड़ करके व्यवहार कराता है। ये जो हमने जागृत काल में जिसके साथ स्वप्न, ये मेरा शिष्य है मेरा गुरु, विश्वम पश्यति कार्य कारण सामने संबंध तो शिष्य आचार्य के तथी बच पित्र पुत्र आत्मन भेद तो स्वप्न जागृत जैसे पुरुष माया परिभ्रमित तस्मय श्री गुरु मूर्त है ना। वही दक्षिणा मूर्ति, वही दक्षिणा मूर्ति, वही तुरीय है। जब ये लय करना सीखेंगे तब हम अपने तुरीय में पहुंचेंगे। ये स्थिति के यहाँ पे बोलने के लिए तुरीयस्य पद्धति कर्म साधन पाद, ठीक है। आप धीरे धीरे अपने आप ही भाष्य का थोड़ा और आगे बोलेंगे जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था को लेकर। समय हो गया, वो लास्ट टाइम पढ़ लिया था ना, कर्म साधनम कर्म व्युत्पत्ति का, और कर्म साधन कर्म रूप में, समझ में आया। कर्म साधन मतलब पद्यते अनेन इति पाद, ठीक है ना, घय प्रत्यय पद था जैसे घय प्रत्यय, और कर्म साधन पद्यते इति पाद कर्म व्युत्पत्ति का दिया हो जिसका। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पीछे का श्लोक पहला वाला क्या है?